नमस्कार सभी को मैं आज आपको सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ एक नगर में ब्राह्मणी रहती थी उसके पति का हो गया था। उसका अब कोई नहीं था। इसलिए होते ही अपने पुत्र के साथ मांगने के लिए निकल पड़ती भिक्षाटन से ही वह अपना और पुत्र का पेट पालती थी एक दिन ब्राह्मणी घर लौट रही थी तो उसे एक लड़का घायल अवस्था में करारता हुआ मिला ब्राह्मणी दयावश उसे अपने घर ले आई वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था सत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर उसके पिता को बंदी बना लिया था और राज्य पर नियंत्रण कर लिया था इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण पुत्र के साथ ब्राह्मणी के घर रहने लगा एक दिन अंशुमती नाम का नाम नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई अगले दिन अंशुमती अपने माता पिता के साथ राजकुमार से मिलाने ले आई उन्हें भी राजकुमार भाग गया कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह कर दिया जाए उन्होंने वैसा ही किया ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी उसके व्रत के प्रभाव और गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ से शत्रुओं को खड़ेर दिया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया और आनंद पूर्वक रहने लगा राजकुमार ने ब्राह्मण पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बनाया ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के महात्म्य से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिरे वैसे ही शंकरवान शंकर भगवान अपने अन्य सभी भक्तों के दिन भी फेर दें बोलो भोले बाबा की जय